food types. The body needs different types of food to keep it working properly. The things we eat contain different types of food, but the proportion of the food types vary a lot. अभी यहाँ पर हम food types की बात करते हैं कि कितनी किस्म का खाना जो है वो हमें ज़रूरत होती है और हमारा दिल करता है खाने को, क्योंकि body अगर एक ही तरह की चीज़ आप उसको खिलाते जाओगे, सिर्फ रोटी खाते जाओगे तो वो आप properly काम नहीं कर पाएगी, वो थक जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि एक तरह का खाना मिल रहा है उसको, सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट्स देते जा रहे हैं, ठीक है ना, बट इट नीड्स विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, ऑयल्स, कैल्शियम और बहुत सारी चीज़ें उसको चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए प्रॉपरली वर्कआउट करने के लिए. जैसे आप स्कूल आते हो, अगर आपकी मदर आपको एक बुक रख कर दे दें, ठीक है, तो क्या आप सारे पीरियड्स ले सकते हो? नहीं ले सकते. टीचर्स आपको डांटेंगी कि आपकी बुक्स कहाँ हैं हर सब्जेक्ट की, और हर सब्जेक्ट की नोटबुक्स कहाँ पर हैं और डायरी कहाँ पर है. तो इसी तरह आप पूरे स्कूल के अंदर अपना सारा काम जो है ना उन्हीं नोट्स बुक्स और बुक्स की मदद से करते हो. इसके अलावा आप स्कूल में सर्वाइव नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते. इसी तरह हमारी बॉडी को सिर्फ रोटी नहीं चाहिए, उसको पेट भरने के लिए खाली एक खुराक नहीं चाहिए, उसको सारी चीज़ें चाहिए ताकि वो किसी से मिनरल ले, किसी से कैल्शियम ले, किसी से विटामिंस ले. The things we eat contain different types of food. हम जो अब चीज़ें खाते हैं रूटीन में उनमें अलग अलग चीज़ें होती हैं. बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रेड कंज्यूम करते हैं और बिस्किट्स खाते हैं, पोटैटोज लेते हैं, तो हम इन्हीं की अगर बात करें तो उनके अंदर जो प्रोपोर्शन ऑफ फूड है वो डिफरेंट है. किसी में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, किसी में कोई चीज़ बहुत कम है. लाइक किसी में विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, किसी में विटामिन बी बहुत ज़्यादा है, तो कोई आयरन का ख़जाना है, कोई कैल्शियम का ख़जाना है, ठीक है ना. तो हर चीज़ को बैलेंस करके खाना है. ये नहीं कि कैल्शियम खाना है तो खाए लगे जाना है, ग्लूकोज ले रहे हैं तो ग्लूकोज मीठा खाते चले जा रहे हैं, तो वो आपको इन एट द एंड आपको परेशानी का सबब बनेगा. अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लोगे या बहुत ज़्यादा फैट्स ले लोगे, तो जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ब्रेड के अंदर विटामिन बी है और उसमें जो मिनरल है वो आयरन और कैल्शियम है, पोटैटो के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, स्वीट बिस्किट्स के अंदर मिनरल कैल्शियम पाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, द मोर स्टार्स द बेटर. तो जितने स्टार्स आपके पास होंगे, यानी उस फूड के अंदर जितने स्टार्स लगे होंगे, जितने मिनरल, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे, वो खुराक आपके लिए सबसे बेहतर होगी. देयर आर 6 फूड टाइप्स. अब 6 तरह के फूड टाइप्स से पहले उनको डिस्कस करते हैं और फिर बताएंगे कि कौन सी जो है वो हमें सूट करती है जो कि ज़्यादा स्टार्स वाली है. सबसे पहले आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स. आर केमिकल दैट सप्लाई एनर्जी. आपको पता, पीछे पढ़ के आए पिक्चर में, कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई देते हैं आपकी बॉडी को. दे इंक्लूड शुगर एंड स्टार्च. और ये सारी चीज़ें हैं जिसमें चीनी होती है या नशास्ता होता है. नशास्ता हो गया पोटैटो वगैरह, इसमें सब नशास्ते वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है, स्टार्च बुलाया जाता है उनको. और शुगर वगैरह अगर आप देखो, उसमें तमाम मीठी चीज़ें आ जाती हैं. और जैसे आप कोई चॉकलेट्स वगैरह लेते हो तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, एकदम आपकी भूख जो है ना सप्रेस हो जाती है. और बिस्किट्स वगैरह खाने से आपको अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी तो आप बिस्किट और छोटे मोटे स्नैक्स मीठे लेकर अपनी भूख को दबा लेते हो. कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है, ये शुगर ही है बेसिकली. तो इसमें जो 3 एलिमेंट्स हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. और हर एलिमेंट, आपको पता है मैंने पीछे पढ़ाया था आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, तो उसमें आपने देखा था कि जब सेम काइंड ऑफ एटम आपस में जुड़ते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं. और हर एलिमेंट में कितने कितने सेम एटम्स हैं? अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन में जो एटम्स हैं इसके, वो 6 एटम्स ज्वाइन हुए हैं केमिकली बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म कार्बन. फिर हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं जो के फॉर्म कर रहे हैं हाइड्रोजन का एलिमेंट आपस में केमिकली बॉन्ड होकर. और ऑक्सीजन में 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हैं जो कि आपस में मिलकर ज्वाइन होकर केमिकली बॉन्ड टुगेदर होकर ऑक्सीजन का एलिमेंट बना रहे हैं. और ये सब, ये तीनों एलिमेंट्स आपस में मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं. और ग्लूकोज आप कंपाउंड की शक्ल कह सकते हो कि इट्स अ कंपाउंड, ठीक है, और इट्स अ कार्बोहाइड्रेट. दे रिलीज एनर्जी व्हेन दे आर यूज्ड अप इन सेल. और ये एनर्जी रिलीज करेंगे जब हमारी बॉडी के सेल्स इनको खाएंगे, इनको कंज्यूम करेंगे, इनको अपने अंदर लेकर जाएंगे, इनको तोड़ेंगे, और जब इनको तोड़ेंगे तो इनमें से एनर्जी
रिलीज होगी और वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेंगी, कार्बोहाइड्रेट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। तो ये इसका सारा तरीका है। अभी बात करते हैं फैट्स की। आर ऑल्सो एनर्जी फूड, फैट्स भी एनर्जी फूड हैं। अगर फैट वाली चीज़ें खाएं तो आपको फौरन एनर्जी मिल जाती है। दे प्रोवाइड मोर देन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज द सेम क्वान्टिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप कार्बोहाइड्रेट एक दफ़ा खाएं तो आपको जितनी एनर्जी मिलती है ना, उससे डबल एनर्जी अगर आप फैट्स उतनी ही मिकदार में ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। लाइक थोड़े से आप फ्रेंच फ्राइज ले लेते हो या कोई भी तली हुई चीज़ लेते हो, समोसा वगैरह खा लेते हो, तो वो जितनी कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिली है ना, उससे डबल एनर्जी ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये डिफरेंस है बिटवीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जब आप कंज्यूम करते हो। अ थिन लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड कीप्स द बॉडी वार्म। अब हमें फैट की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारी जो सबसे ऊपर वाली स्किन है, जिसके ऊपर आप मॉइस्चराइजिंग करते हो, क्रीम लगाते हो, साबुन लगाते हो, आपकी जो स्किन है आपकी बॉडी के ऊपर जो चढ़ी हुई है, उसके नीचे एक लेयर होती है, ठीक है, जो हमें नजर नहीं आती, ठीक है, वो हमारी स्किन के नीचे की लेयर है और वो चर्बी की लेयर होती है, फैट की लेयर होती है, जो कि एक स्वेटर का काम करती है हमारी पूरी बॉडी के लिए। वो हमारी बॉडी को गर्म रखती है, ठंड से बचाती है। टू मच फैटी फूड इज नॉट हेल्दी एज इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट डिजीज। लेकिन अगर हम इस लेयर को बढ़ाना शुरू कर दें, लाइक आप अगर 10-12 रजाइयाँ अपने ऊपर ले लें, तो क्या होगा, आपको सख्त सर्दी में भी गर्मी लगना शुरू हो जाएगी और वो आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमने अपनी इस लेयर को ज़्यादा बड़ा नहीं करना, मोटा नहीं करना ज़्यादा फैटी फूड्स खा कर, क्योंकि ये हमारे हार्ट डिजीज़ की तरफ हमें लेकर जाता है। अगर हमारे दिल के ऊपर वो चर्बी चढ़ना शुरू हो गई स्किन के साथ साथ, तो हमारा दिल काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें फैटी फूड्स को लेना है, लेकिन एक खास बैलेंस के साथ। अब आगे हम इसको पढ़ें, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फैट कंटेन द एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगेन फैट के अंदर भी वही सारे एलिमेंट्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट में थे, जो कि जिनका नाम है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाउएवर फैट्स कंटेन मैनी मोर हाइड्रोजन एटम्स देन ऑक्सीजन एटम्स। लेकिन अगर बात की जाए कि उन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन कितनी पड़ी हुई थी, लाइक हमारे पास वो 12, यानी 12 एटम्स थे हाइड्रोजन के, हमारे पास जो हाइड्रोजन का एलिमेंट था इन कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो 12 से कई ज़्यादा हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन प्रोटीन के वो विच टाइप ऑफ प्रोटीन है, आप फिश ले रहे हो, मीट ले रहे हो, वाइट मीट ले रहे हो, या बीफ की तरफ जा रहे हो और मटन की तरफ जा रहे हो, तो ये डिपेंड करता है। या आप मक्खन वगैरह खा रहे हो, तो जिस किस्म से भी आप प्रोटीन ले रहे हो ना, उसमें हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। बाकी ऑक्सीजन और कार्बन स्टेबल होगा, सेम 6-6 ही होंगे, लेकिन हाइड्रोजन के एटम्स बहुत ज़्यादा होंगे, यानी 12 से काफ़ी ज़्यादा होंगे। प्रोटीन, अब बात करते हैं, आर नीडेड टू बिल्ड न्यू बॉडी टिश्यूज़ व्हेन वी आर ग्रोइंग। प्रोटीन हमें क्यों चाहिए? वो हमारे बॉडी टिश्यूज़ को बनाता है, जो कि हमें जिस्म भरने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर हमारे बॉडी टिश्यूज़ ग्रो ना करें तो हम छोटे के छोटे ही रह जाएं। बच्चे, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं जितने साइज़ के होते हैं, तो क्या चीज़ है जो उनको बड़ा करती है, उनकी बॉडी किस तरह ग्रो करती है? वो इसी प्रोटीन की मदद से करती है। ये आपस में सेल्स डिवाइड होते हैं, टिश्यूज़ बड़े होना शुरू हो जाते हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, हमारी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। They are also used to repair damaged tissue. If you accidentally cut yourself, new skin is made from protein. अब ये सिर्फ हमारा कद बढ़ाने में मदद नहीं दे रहे। कद कैसे बढ़ रहा है कि हमारी हड्डियाँ तो कैल्शियम के जरिए बड़ी हो रही हैं, लेकिन उसके ऊपर जो हमारे टिश्यूज़ हैं, जो हड्डियों के ऊपर चढ़े हुए हैं, उनको भी तो बड़ा होना है ना, ताकि वो हमारी स्केलेटन को महफूज रख सकें। अब अगर हमारी बॉडी कहीं डैमेज हो जाती है, या कहीं से कट लग जाता है, कोई खरोच आ जाती है, स्क्रैच हो जाता है हाथ के ऊपर, तो वो बॉडी किस तरह रिपेयर करेगी? इसी प्रोटीन की मदद से नई स्किन उसके ऊपर आ जाती है। तो आज के बाद जब भी आपको कोई ग्राउंड में खेलते हुए चोट लगे और आपका जख्म ठीक होना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाएगा कि मेरे बॉडी की प्रोटीन जो है ना, वो मेरे इस बॉडी की स्किन को रिपेयर कर रही है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड्स। अब प्रोटीन्स किस शक्ल में होते हैं? ये लॉन्ग चेन्स होती हैं, उनके अंदर यूनिट्स होते हैं जिनको हम अमीनो एसिड बुलाते हैं, जिसकी पिक्चर आपको ये नजर आ रही है। अभी ये अमीनो एसिड के मोनोमर्स आपको नजर आ रहे हैं कि ये अलग अलग हैं और ये अभी आपस में फ्रेंडशिप नहीं हुई इनकी और ये चेन अप नहीं हुए ना, तो अकेले हों तो ये यूनिट्स हैं और मोनोमर्स कहलाते हैं, और जब चेन में आ जाते हैं तो ये हमारी प्रोटीन बन जाते हैं, यानी सारे एक साथ इनका एक नाम लिया जाता है कि ये प्रोटीन है।
और अब ये प्रोटीन्स आपको मदद किस तरह करे, अमीनो एसिड्स, ये सारे छोटे बीट्स, दे ब्रेक डाउन फूड, ग्रो रिपेयर बॉडी टिश्यूज, मेक हार्मोन्स एंड ब्रेन केमिकल्स, प्रोवाइड एन एनर्जी सोर्स, मेंटेन कर रहे हैं हेल्दी स्किन, हेयर एंड नेल्स को बिल्ड कर रहे हैं, मसल्स को बूस्ट कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को, यानी आप जल्दी बीमार नहीं पड़ रहे हैं, और सस्टेन अ नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम, और आपके पेट के सिस्टम को भी नॉर्मल रखे हुए हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट आर प्रोटीन मेड अप ऑफ, और दे आर मेड अप ऑफ यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। देयर आर अबाउट 20 डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स दैट कंबाइन टू मेक प्रोटीन इन ओवर बॉडीज। द मेन एलिमेंट इन अमीनो एसिड्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और इसमें अगेन अगर आप देखें तो द थ्री एलिमेंट्स कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर द सेम्स एज इन कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोजन की मिकदार इसमें ज़रा ज़्यादा होती है, और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी इनमें ज़्यादा है विच इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन। ठीक है, तो जब ये सारे लाइनअप हो जाते हैं ना, ये चेन अप हो जाते हैं, तो ये बहुत लंबी चेन बनाते हैं, बड़ी खूबसूरत सी, जो कि ये पिक्चर आपको नजर भी आ रही है। तो ये सारी चेन जो है ना, ये सारे एलिमेंट्स के जो आपस में रिएक्शंस करने के बाद अमीनो एसिड छोटे यूनिट्स बने और वो चेन के अंदर आ गए तरतीब से। ठीक है, हर बीट का कलर आपको अलग नजर आ रहा होगा। अब मिनरल सॉल्ट्स की बात की जाए तो मिनरल सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारे पास जो मिनरल सॉल्ट की क्वांटिटी है नीडेड बाय ओवर बॉडी इज रियली लेस एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। हमें सॉल्ट्स बहुत कम चाहिए होते हैं, वो मिनरल सॉल्ट्स, जिस तरह हम टेबल सॉल्ट को यूज़ करते हैं अंडे के ऊपर, कभी भी आप चम्मच भरकर नमक नहीं डालते, आप बिल्कुल स्प्रिंकल करते हो, इसी तरह इतना बड़ा खाने की पतीली के अंदर आप आधा या एक चम्मच नमक का डालते हो। तो यानी हम हमारी बॉडी को भी इसी हिसाब से, इसी रेशियो से नमक चाहिए होता है, जो कि मिनरलाइज होता है किसी भी फॉर्म में, वो हमारी बॉडी में जा रहा होता है, वो किसी फूड की शक्ल में जा रहा होता है, क्योंकि फूड्स ऑल्सो कंटेन सॉल्ट। ठीक है ना, मिनरल सॉल्ट उनके अंदर ऑटोमेटिकली अल्लाह ने रखे हुए, तो वो हम उस तरह भी खा सकते हैं। जैसे आप बॉयल अंडे को आप ऐसे ही कंज्यूम करो, बिकॉज डॉक्टर सेज दैट देर इज नो नीड टू पुट अनदर टाइप ऑफ सॉल्ट और स्प्रिंकल इट ऑन द एग, बिकॉज एग ऑल्सो कंटेन अ बैलेंस मिनरल सॉल्ट। उसको अंडे को नमक की जरूरत नहीं है, लेकिन हम नमक छिड़क छिड़क कर ऊपर खाते हैं। सो डॉक्टर्स हमें ये एडवाइस करते हैं कि आप सिर्फ काली मिर्च डालकर खाओ अंडे के ऊपर, क्योंकि अंडे में जितना नमक चाहिए वो अल्लाह ने उसमें रखा हुआ है। अगर आप एक्सेसिव नमक उस पर डालकर खाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको परेशानी देगा आपके पेट में जाकर। इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि मिनरल्स बेसिकली क्या क्या हैं, तो उनमें आपके जो सॉल्ट आ रहे हैं उनमें आप कैल्शियम बुला सकते हो। कैल्शियम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि द ह्यूमन बॉडी नीड्स अ वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स। कैल्शियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये आपकी बोन और टीथ को, आपकी हड्डियों को और आपके दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। और द हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल कंटेन आयरन। और हमारे जो सुर्ख खलिये हैं, खून के खलिये, रेड ब्लड सेल हैं, RBCs हैं, दे कंटेन हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन एक ऐसा मिनरल है जो कि आयरन कंटेन करता है। ठीक है, और वो हमारे उन सुर्ख खलियों को सुर्ख बनाता है। इनका जो रेड कलर है वो इसी हेमोग्लोबिन की वजह से, और इस हेमोग्लोबिन में क्या है, आयरन है। अब चले मैं आपको ज़्यादा स्टार्च वाले फूड्स की तरफ लेके चलती हूँ, क्योंकि हमने शुरू में यही बात की थी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बेस्ट हैं टू कंज्यूम हैविंग मोर स्टार्च। चलिए हम स्टार देते हैं तमाम फूड्स को। ब्रेड को मिले हैं 3 स्टार, स्वीट बिस्किट्स को 2, पोटैटो को 1। तो इन तीनों को तो आप ज़्यादा ना खाएं, ठीक है ना, बिकॉज दे डजेंट कंटेन अ मोर स्टार्स। ठीक है, तो अभी इधर ज़्यादा स्टार्स नहीं है, तो हम इनको जो है ना थोड़ा कम कंज्यूम करेंगे। अब आ गया मिल्क, और मिल्क कंटेन कर रहा है लाइक 7 स्टार्स, तो वो इट्स गुड फॉर अस। तो हम दूध ज़रूर पियेंगे, सो यू हैव टू टेक 1 ग्लास ऑफ मिल्क और 2 ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट एज वेल। ठीक है, तो दूध तो हमने अपनी टॉप लिस्ट के ऊपर लिख लिया कि जी मिल्क तो लेना ही लेना है। अब मीट और वाइट फिश की बात करें तो मीट गॉट 3 स्टार्स एंड वाइट फिश गॉट 1 स्टार, सो वी गोना टेक देम लाइक ओकेशनली हम ले सकते हैं, ये नहीं कि हम डेली मीट और फिश को कंज्यूम करें। वैसे भी विंटर्स हैं तो ज़्यादातर घरों में मछली बहुत ज़्यादा बनती है। इट्स गुड टू हैव फिश, वाइट फिश, बट लेकिन इसको इतना ज़्यादा मत करें क्योंकि इट्स गॉट ओनली 1 स्टार। ठीक है, और मीट के पास 3 है, तो आप ओकेशनली खा सकते हैं, लाइक यू कैन टेक इट once or twice in a week। अभी आगे बात करते हैं हम मक्खन और अंडों की।
बट सॉरी, ये तो चीज है, मुझे मक्खन लग रहा था क्योंकि उस वक्त इसकी हाफ पिक्चर में देख रही थी. ओके, सो चीज गॉट रियली रियली गुड स्टार्स और ग्रेट सीकर और अंडे भी. तो ये दोनों चीज़ें हमें डेली बेसिस के ऊपर कंज्यूम करनी है. लाइक चीज़ भी हमें थोड़ी सी हर रोज़ खानी है और अंडे भी यू कैन टेक वन और टू एग अ डे. ठीक है, तो ये रेगुलर जो हमें लेना है वो मिल्क लेना है, चीज़ लेना है और एग्स लेने हैं. ठीक है, इसके बाद बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप, मैं ये कह रही हूँ कि बस आप यही तीन चीज़ें खाएँ, बट इनको रेगुलर करें अपने डेली डाइट में, बैलेंस डाइट में. आप रोटी लें, चावल लें, बाकी चीज़ें भी खाएँ, लेकिन इन तीनों में से किसी चीज को भी स्किप ना करें. और अगर करना है तो दो को ले लें, एक को स्किप कर दें, इस तरह हो सकता है.